तो दोस्तों हमारे पास आया है आज मोटो X3 1721, मतलब मोटो सी प्लस। हमने इसकी FRP करनी है, पहले देख लेते इसमें FRP लगी कि नहीं लगी। गेट स्टार्टेड कुलदीप, स्किप करो, आगे करो, सेटअप एज न्यू। ये देखो ये हम करना है? हाँ नहीं कनेक्ट नहीं करना, ये नेक्स्ट का बटन करना, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, ये विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे इस मोबाइल में FRP लगी हुई है। तो क्या करना है, इसको एक बार स्विच ऑफ करेंगे, इसकी बैटरी निकालो कुलदीप। हमारे मित्र हैं कुलदीप, ये बैटरी निकालो और दिखाओ कैमरे के सामने, लाओ थोड़ा, ठीक है। 1721 आ रहा है, मोटो मॉडल्स X3 1721, ठीक है। लगाओ बैटरी, लगाओ, ऑन नहीं करना है, हाँ लगा दो ढक्कन, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ़ोन को यहाँ पे स्क्रीन के सामने रखो, ठीक है। अब हम इसे कंप्यूटर में करेंगे, ठीक है। अभी डाटा केबल भी लगानी है ना। देखो ये काफ़ी देर से मैं परेशान था, तो एक वेबसाइट है डॉक्टर गैजेट्स के नाम से, तो ये सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा। उनकी वजह से हमें ये टूल मिला है और हमने इसका FRP करेंगे और देखते हैं होता है कि नहीं होता। देखो मेरे डाउनलोड PC में मैंने ये डाउनलोड्स में ये रहा कंप्रेस्ड, ये रहा ये ना FRP फाइल बाई गैजेट डॉक्टर, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। देखो इसमें स्कैटर फाइल आई हुई है ना। इसका मतलब हमने इस फोन को फ्लैश करना है इस स्कैटर फाइल से, ठीक है। MTK CPU, हाँ इसके अंदर MTK का CPU होगा शायद, इसलिए, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अपना SP फ्लैश टूल हमने डाउनलोड किया हुआ है, हम चलते हैं वहाँ पे, कंप्रेस्ड में ही होगा शायद, ठीक है। ये ना हमारा SP फ्लैश टूल कहाँ है, इसको एक बार डिलीट मार देते हैं। डिलीट मार दिया हमने, ये रहा, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सटेट क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है, चल रहा है। इतना समय क्या एक्सटेट कर रहे हैं, करते हैं। एक मिनट इसको कैंसिल करता हूँ दोबारा, क्योंकि इतना स्लो तो होता नहीं है। SP फ्लैश टूल कहाँ गया हमारा, ये रहा एक्सटेक्ट CS टूल हो गया है, बस वन मिनट। ठीक है, ये मैं कुछ डाउनलोडिंग में लगा रहा था, तो ये हमारा हो रहा है एक्सटेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक्सटेक्ट हो चुका है, अब इसको ओपन करेंगे। इधर ध्यान दो, इसको ओपन किया, ये रहा फ्लैश टूल, ठीक। देखो ये ओपन तो हो गया है, लेकिन हमें जो ये डाउनलोड एजेंट है ना, हमें यहाँ पे चेंज करना है। वो जो गैजेट डॉक्टर साहब हैं हमारे, उन्होंने एक फाइल दी है DA.bin, ठीक है। हमने डाउनलोड्स पे गए थे और कंप्रेस्ड में हमने उनकी फाइल सेव की हुई है, ये रही, ठीक है। तो हमें ये लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी फाइल ले ली हमने, और जहाँ पे हमें स्कैटर फाइल लेनी है, हम देखो उसी फाइल में ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये सारा ओपन हो गया है, देखो ये FRP पे टिक है, बाकी सब अनचेक है, ठीक है। FRP पे ही रहेगा, ठीक है। मैं डाउनलोड भी क्लिक करूँगा और फिर कुलदीप इसको कनेक्ट करेगा। उठाओ फ़ोन, उठाओ, थोड़ा यहाँ पे लाओ ना, फ़ोन दिखना चाहिए साथ में। डाउन अप नहीं, कोई सा भी नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। FRP के लिए सर डाउनलोड मोड पे लाना नहीं, ठीक है, ठीक है। अब मैं डाउनलोडिंग मोड पे से क्लिक करूँगा और फिर इसको लगाएंगे हम। कर दिया, देखो ये लगाओ। अब फोन हमने कनेक्ट किया है, अभी लिया नहीं, ले लिया शायद, ठीक है। ये हमारा चल रहा है अभी, डाउनलोड ओके, ठीक।
अब हम अपना फ़ोन निकालेंगे, अब ओपन करेंगे, देखें एफ आर पी हटा नहीं हटा, निकालो, ऑन करो इसको। सर कौन से टूल से करेंगे? ये एस पी फ्लैश टूल से किया है। इसको मोटो सी प्लस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस फोन को। कोई नहीं, दोबारा ऑन करो इसको, शायद हाँ स्किप करो, स्किप कर दें। सेटअप इज न्यू, नीचे डोंट यूज एनी नेटवर्क, कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट, नॉट नाउ नॉट नाउ नॉट नाउ, स्किप एनीवे, सेटअप लेटर, ये ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे मोटो XT 17 21 की FRP लॉक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।